नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको दिखाने लगे हैं देसी अंदाज़ में बीफ कढ़ाई बनाने लगे हैं, जो कि हम आपके सामने भी पेश करेंगे। यार तो वीक था तो बात चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हम आज बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। हमने सबसे पहले पानी डाला, अब हम गोश्त ऐड करेंगे। अब हम प्याज ऐड करेंगे। फिर हम हल्दी को ऐड करेंगे। फिर हम हसबे जायका लाल मिर्च और दड़ा मिर्च। फिर हम हसबे जायका नमक डालेंगे। अब हम टमाटरों को ऐड करेंगे और इसके साथ ही ये लहसुन और अदरक है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब हम इसे ढाम देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। ये तकरीबन हमने आपको 10 मिनट का कहा था, लेकिन हमने इसका ढक्कन है जो ना 20 मिनट के बाद उठाया है, और हम इसे अब एक दफ़ा चेक कर लें।
कुछ चेक कर रहे हैं गला कि नहीं गला भी। ये जी हम इसमें अब घी ऐड करने लगे इसको भूनने के लिए। हमारा एक आइडिया था कि ये 10 मिनट में गल जाएगा, लेकिन आपकी कमी की वजह से तकरीबन हम इसने आधा घंटा ले लिया, क्योंकि हम ये देसी स्टाइल में बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर आग भी नहीं है, कुछ सामान की भी कमी है, बस घर से निकले और बस ऐसे ही। अब हम इसको तकरीबन कोई घी में जो इसका थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो खुश करेंगे और इसको भुने के साथ साथ। अब हम इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे ताकि इसमें मज़ीद खुशबू के लिए ना। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है, जायका भी इसका बहुत मज़ेदार होगा।